लगी है। मम्मी और डैडी हमेशा लेट ही आते हैं। मुझे अभी खाना खाना है। ला 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 ला। देखो रिंकी, मम्मी और डैडी आ रहे हैं। चलो चलो बच्चों, जल्दी आ जाओ, हम खाना खा ले। फिर से दाल? मुझे नहीं अच्छी लगती, मैं यहाँ नहीं खाऊंगी। अरे रिंकी, तू भूल गई तू कितनी भूखी है। मम्मी और पापा, रिंकी ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है? वापस आज वह खाली पेट सोने जा रही है। चिंकी, तू चिंता मत कर, रिंकी के साथ सब ठीक हो जाएगा। बेटा, तू अपना खाना खा ले। दोनों पेरेंट्स चर्चा कर रहे हैं। आपने रिंकी का बर्ताव देखा? पहले की तरह हर दूसरे दिन खाना नहीं खाती और भूखे पेट सो जाती है। वह इतनी जिद्दी कैसे हो गई? चिंता मत करो, शायद यह एक ऐसा समय है कि जिससे वह गुजर रही है। वह वसंत ऋतु का समय था। चलो बच्चों, वसंत ऋतु आ गई है और अब समय आ गया है कि आप घोंसला छोड़कर बाहर निकलो और उड़ना एवं चलना सीखो और इस सुंदर वन का आनंद उठाओ। यिप्पी, मैं बहुत खुश हूँ, मैं तो चली। अरे चिंकी को तो देखो, कितनी उत्साहित है। और आपने देखा, वह कितनी फटाफट घोंसले से उड़ गई। चलो रिंकी, अब तुम्हारी बारी है बेटा। नहीं पापा, मुझे इस घोंसले में बहुत आराम और शांति मिलती है। रिंकी बेटा, अगर तू घोंसले से बाहर नहीं निकलेगी तो चलना और उड़ना कैसे सीखेगी? तो चल अब। वास्तव में यह बहुत कठिन काम है, मुझे कमजोरी लग रही है। हर एक कदम उठाने के लिए कितना प्रयत्न करना पड़ रहा है। रिंकी बेटा देखो, तुम कितनी कमजोर हो गई हो। यह तुम्हारे ठीक से न खाने का ही परिणाम है। एक शाम को चिंकी और रिंकी, सूरजमुखी के बीच चक्कर देखो। अरे वाह, अच्छा है, कुछ नया स्वादिष्ट चखने मिलेगा। मुझे सूरजमुखी के बीच नहीं भाते, मुझे नहीं खाना। लेकिन तूने तो सूरजमुखी के बीच कभी चखे ही नहीं, तो तू कैसे कह सकती है कि वो तुझे नहीं भाते? हमारे जैसे पक्षियों को बीज खाने चाहिए, क्योंकि हमें दांत नहीं है। बीज अनाज के दाने पचाने में हमारी मदद करते हैं। नहीं मम्मी, मुझे पता है कि मुझे ये नहीं भाते। यह वजह है कि रिंकी और ज्यादा कमजोर होती जा रही है। वह खाने में बहुत पसंदगी ढूंढने लगी है।
एक दिन चलो बच्चों, आज हम फलों के बाग में जाएंगे और शायद नए प्रकार के फूल ढूंढने का प्रयत्न भी करेंगे। मैं तो चली। फिर चल रिंकी। मैं एक छलांग भी नहीं लगा पाऊंगी, मेरा घोंसले में ही रहना ठीक है। ये तो सच में ही बहुत दुख बताने वाला है। इस तरह अकेले बैठकर यह दिन कितना बड़ा लग रहा है। ये लोग और कितनी देर लगाएंगे? रिंकी, हम वापस आ गए हैं। तुझे पता है, हमने विविध प्रकार के बीज खाए, स्वादिष्ट फलों का रस पिया और ताजगी दे ऐसे ठंडे पानी में छिपछिपाहट भी की। मम्मी, मुझे भी पानी में खेलना है और फल एवं फलों के रस का आनंद लेना है और मजा करनी है। लेकिन बेटा, ये सब करने के लिए तुझे तंदुरुस्त होना पड़ेगा और उसके लिए तुझे अपनी जिद छोड़नी पड़ेगी। तू तैयार है उसके लिए? हाँ हाँ मम्मी, अब से आप जैसा कहेंगी वैसा ही मैं करूँगी और मैं जिद नहीं करूँगी। आपको क्या लगता है दोस्तों, जल्दी वह खुले आकाश में जाने लगी और उड़ने के आनंद का अनुभव भी करने लगी। रिंकी तो जिद करने के नुकसान को समझ गई है, और अब आप क्या करने वाले हैं?